में है एट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 और x जो कि माइनस 5 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे माइनस 5 पुट कर देते हैं तो माइनस 5 प्लस 5 जीरो हो जाएगा और डिनोमिनेटर में जीरो मतलब कि ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। सो एट x इज इक्वल टू c, लिमिट x टेंड्स टू c f x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f x है ये वाला, तो इसको पूरा रख देंगे यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5। अभी हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस 5, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25 को एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5, लिमिट एक्स टेंड्स टू, तो उसे सीधे लिख देते हैं एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 5 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स माइनस 5 और जब हम लिमिट पुट कर देंगे सी तो ये हो जाएगा सी माइनस 5 इक्वल टू सी इक्वल टू एफ सी, तो ये भी कंटिन्यूअस। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर जिसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, माइनस 5 को आखिर में बस बचता है हम लोग के पास पार्ट डी, और डी में है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5 एट एक्स इक्वल टू सी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी f x equal to limit x tends to c mod x minus 5। हमें पता है mod के अंदर कोई भी वैल्यू हो पॉजिटिव में आता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इक्वल टू ये c यहां पे पुट कर देंगे तो mod c minus 5, तो ये c ही होगा mod c इक्वल टू एफ सी, ये भी कंटिन्यूअस है। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है।